हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। इसको आप गेम प्ले वीडियो नहीं बोलोगे। बात क्या है कि मैंने बहुत सारी मतलब शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी गेम प्ले की, एंड मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। जो लाइव स्ट्रीम नहीं देखते उनके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट हुआ क्या कि वीडियो डिलीट हो गई। सो मैंने जितना अपना माइनक्राफ्ट के अंदर पहले दो पार्ट अपलोड कर दिए थे, जितना अब तक बना लिया मैं उसको ओवरव्यू देने वाला था। तो चलते सीधा गेम की तरफ, वीडियो की तरफ, दिखाता हूँ आपको क्या गेम के अंदर। यहाँ पे हमने अपना, मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ हमने अभी तक क्या करा है। बेसिकली तो बेसिकली ये एक विलेज था, एंड ये विलेज आपको दिख रहा है। इस विलेज से हम आए थे, ये देखो ये लोगों ने ये खोद रखा है ना ये भाई। देख रहे लोगों ने पता नहीं क्या ड्रामा कर रखे। तो ये विलेज हमने खोजा था गाइस। तो इस विलेज को खोजने के बाद इस विलेज में सीधा हमने अपना घर बनाया था। तो ये एरिया पूरा खाली था, ये पूरा एरिया खाली था। तो सबसे पहले इसकी ना आउटलाइनिंग मैंने करी, इधर से आप देख सकते हो ये पूरी आउटलाइनिंग करी थी हमने। देन मैंने यहाँ से, ये मेरा ही आइडिया था पूरा कि क्या करना है। तो ये इसके दरवाजे हैं, ये दरवाजे पर हमने प्रेशर प्लेट लगा रखे ताकि हम बाहर जाएँ तो खुल जाए। यहाँ पे एक घर था, छोटा सा घर था, विलेज का ही घर था। तो इसको हमने अपने अंडर ले लिया, बट हुआ क्या, ये यहाँ पे मैंने अपना एक सीक्रेट वो बना रखा है रूम। तो आप लोगों को बता देता हूँ, इस सीक्रेट रूम के अंदर मैंने जो डायमंड अपने लिए कलेक्ट करके रखे हैं, मैंने जो डायमंड से अपनी शील्ड विल्ड बना रखी सब रख रखा है ताकि किसी को पता ना लगे। भाई बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद ये ऐसा बना था। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मेरी मतलब कोई मेरी मेहनत फ्री में यूज़ करे। तो इसको हमने पूरा क्लोज करके एक तरह से मीटिंग रूम बना दिया। ये पूरा हमारा पार्क है, पूरा पार्क है। ये हमारे कुत्ते बिल्ली, ये सारा काम हमारे नोवन भाई साहब ने किया है हमारे साथ। ये जो दिख रहे हैं आपको सर्वर में, ये सारा काम उन्होंने कराया नोवन ने। यहाँ बंदों ने अपना अपना पता नहीं क्या क्या बना रखा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है लिटरली। यहाँ पे मेरे नोवन ने ये कुत्तों के लिए प्लीज डोंट टच वेदांति सोपी कुत्ते का नाम रख रखा है। ये इन्होंने पता नहीं क्या करा है, मुझे नहीं कुछ आइडिया। एंड ये मेरे को पता है किसी ने कि ये नैदरलैंड के लिए रास्ता बनाया, तो ये बहुत ओपी लगा मुझे। ये मैंने स्विमिंग पूल बनाया था, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ स्विमिंग पूल। ये जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये आप देख सकते हो नीचे पूरा सैंड लकड़ी वकड़ी मिला के बिल्कुल बेहतरीन वाला। ये गोल्डन फिश है, येलो फिश बहुत रेयर होती है। ये भी हमारे नोवन भाई साहब ने मतलब पूरा खोजबीन करके लाए। यहाँ पे ये मैंने चारों तरफ, आप लाइटिंग देखोगे आपको लाइटिंग की बिल्कुल कमी नहीं मिलेगी, चारों तरफ लाइटिंग लग रखी है। ये शीशे का कांच मैंने जहाँ तक लाइट लगी है बस वहीं तक लगाया था बिकॉज ऑफ पानी की वजह से। बट ये अभी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक ये पूरा कवर करने का प्लान है पता नहीं, बट मैंने बोला था ये ओपन रखना बिकॉज ये ओपन ही अच्छा रहेगा। एंड नाउ सी देखो क्या होता है। देन ये एरिया मैंने ब्रीडिंग के लिए रखा था, टैक्स करने के लिए। एंड ये हमारे भाई साहब ने अपना घोड़ा रख दिया यहाँ पे गोल्डन किसी ने। एंड ये हमने लाइक फ्लोर की, यहाँ पे फ्लोरिंग हमने इस तरीके की करी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे हमने अरे विलेजर्स हैं सारे, यहाँ पे हमने विलेजर्स रख रखे हैं ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। ये सारे विलेजर्स हैं, पूरा विलेजर्स है, ये पूरा पूरा विलेजर्स के लिए। एंड यहाँ पे ये मैंने चेस्ट रूम बनाया था। यहाँ पे आप चेस्ट में ये आप देख सकते हो ब्लैक ऑक्टोपस, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना रखा है, ये मेरे को कुछ आइडिया नहीं है क्या होता है। मैं अभी मतलब ज़्यादा पुराना खिलाड़ी नहीं हूँ, मैंने अभी कुछ टाइम से खेलना शुरू किया है। लोगों ने अपनी चेस्ट में पता नहीं क्या क्या देखो आइटम रख रखा है ये। तो ये चेस्ट का आइटम है। यहाँ पे भी मैंने ऊपर सोचा था, यहाँ पे भी मैं मतलब कि चेस्ट का आइटम मतलब कुछ रखूँगा। एंड ये देखो ये क्या दीवार बना दी बंदे ने, बट ठीक है जो भी है भाई इसकी मर्जी है। नहीं क्या बना रखे ये समझ नहीं आता हमें, तो पता नहीं लोग बनाए क्या, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं मतलब जैसे छेड़छाड़ करनी है। इतना प्यारा लुक है उसका घर का, मतलब हम तो पागल हैं, हम तो पागल हैं। मतलब हमने इतना बेहतरीन बना रखा था, बट नहीं सब अपनी चलाएंगे, सबको अपने आप को। और इतना ज़्यादा मेहनत, हम रात को 5-5 बजे तक खेल के मैंने ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ। एंड ये लोग पता नहीं क्या करते हैं भाई, क्या ही करते हैं पता नहीं। इसकी क्या ज़रूरत थी दरवाजे की, क्या ज़रूरत थी बताओ मेरे को भाई, कोई ज़रूरत है कोई तुक नहीं। ये हमने शीशा लगा रखा है, ये पूरा मैंने शीशा लगाया। ये पूरा अपर फ्लोर है, ये अभी अपर फ्लोर के कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पूरा कवर करेंगे ऊपर कहाँ से, सेम जैसा नीचे अपर से वैसे करेंगे। ये जो नीचे आपने घोड़ा देखा था उसका ये ऊपर का फ्लोरिंग है, ये सिंगल फ्लोर ही रहेगा।
ये हमने थोड़ा मैंशन टाइप का बनाया है, लाइक देख लो आप, थोड़ा मतलब कैसल टाइप का। इसके ऊपर हम कैसल टाइप का बनाने वाले हैं। यहाँ पे ये मैंने एरिया छोड़ दिया था बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर हमें कैसल टाइप का बनाना है। यहाँ पे हमारे शीशा का कांच लगा रखा है हमने पूरा, एंड ये पूरा वो मतलब लाइक बन रखा है अपना मस्त वाला एकदम एरिया। एंड ये देखो ये लोगों ने एक चेस्ट बना रखे, मतलब क्या क्या मतलब है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है चेस्ट बनाने का, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तुक बनता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमने अपनी बालकनी बना रखी है, यहाँ से अपना पूरा खेत वेत क्या मतलब फार्मिंग देखने के लिए। एंड मैं आपको सब कुछ क्लोज से दिखाऊंगा, आप लोग बोलेंगे भाई भाई एक हफ्ते की मेहनत है ये, एक हफ्ते की मेहनत है। तो गाइस पहले हम जल्दी से सोते हैं, जल्दी से सोने के बाद, हम आपको दिखाते हैं कि तो अगर मैं नहीं सोऊंगा तो फिर क्रीपर वगैरह आ जाएंगे, एंड क्रीपर आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे साथ, एंड पंगा हो जाएगा। अपन सो जाते हैं पहले जल्दी से। तो ये हम सो गए ठीक है, तो इसको हम इग्नोर मारते हैं, सीधा चलते हैं अपने फार्मिंग की तरफ। मैं आपको फार्मिंग दिखाता हूँ पूरी। तो ये मैंने पूरी वीट की फार्मिंग कर रखी है, पता नहीं किसने बेकार कर दिया मुझे नहीं पता। एंड मैंने वीट के साथ में यहाँ पे दो चेस्ट लगा रखे हैं, यहाँ पे पूरा खाना वाना बना के रखने के लिए। ये देखो खाना है पूरा यहाँ पे, पंपकिन पुडिंग वुडिंग बनाने के लिए। एंड पता नहीं उन लोगों ने क्या कर रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पूरी रेलिंग कवर करने के लिए यहाँ पे हमने दरवाजा लगा रखा है। ये पता नहीं क्या है, ये बीट रूट है। ओके ये बीट रूट है, मुझे नहीं पता है क्या होता है बीट रूट, ठीक है जो भी होता है अच्छा होता होगा। यहाँ चेस्ट में मैंने बीट के लिए रखा है, एंड ये हमने क्राफ्टिंग के लिए यहाँ पे रख रखा है। एंड यहाँ पे ये सीड्स होंगे, आपको वीट के सीड्स दिखेंगे ताकि सीड्स की कमी ना हो। ये हमारी पम्पकिन की फार्मिंग है। लाइटिंग मैंने हर जगह बहुत प्रॉपर कर रखी है बिकॉज रात को क्रीपर ना आए, इस वजह से मैंने लाइटिंग पूरी कर रखी है। यहाँ पे दरवाजा दे रखा है क्योंकि पूरा घूम के आने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बीच बीच में आप देख रहे हो हमने पानी का भी वो कर रखा है ताकि पानी की कमी ना हो। यहाँ से आने के बाद आप अंदर जैसे आएंगे, यहाँ पे A30 भाई साहब ने अपना घर बना रखा है। इनके घर का थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, अभी इन्होंने बनाया नहीं, अभी नॉर्मली इन्होंने बनाया है इस तरीके का है। इन्होंने तो घर की डिजाइन भी अच्छी नहीं है, बाकी सारा कांच का घर है इनका, बढ़िया है। एंड इस तरफ अगर हम आएंगे तो इस तरफ हमारा ऑटोमेटिक चिकन बनता है, पता नहीं कुछ प्रोसेस में कुछ गड़बड़ रखी, पता नहीं किसने बनाया ये सब कुछ, मैं करवाऊंगा चेंजेस। यहाँ पे हमारा मुर्गियों का फार्म है, यहाँ पे हम इनको ब्रीडिंग कराते हैं। देखो चलो हम आपको ब्रीडिंग करके दिखाते हैं थोड़ा सा। सबको ब्रीडिंग कराते हैं, जरा काफी टाइम से बेचारे ब्रीडिंग नहीं उन लोगों की, लेकिन मासूम से लग रहे हैं जीभ निकाल के, देख रहे हो तुम लोग। खत्म, अब अंडे कलेक्ट कर लेते हैं। उन्होंने काफी अच्छी काफी अंडे दे दिए होंगे उन्होंने, ये देखो बच्चे भी हो गए भाई। यही तो है फास्ट तरीका भाई। एंड यहाँ पे अंडे की क्रेट लगा रखी है हमने, हमने इसलिए लगा रखी कि जो चीज जहां से होगी इंसान को किसी भी चीज की डाउट ना हो कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हमने, तो वो चीज बेहतर रहेगी। ये हमारे तरबूजे की फार्मिंग है, ये हमारे तरबूजा है, मतलब अपना वीट कह सकते हैं इसको, हम वीट बोलो सॉरी वाटरमेलन है। ये हमारा आलू का फार्म है, पोटैटो, यहाँ पे पोटैटो वो रखे हमने। एंड ये हमारा गाजर का मतलब कैरेट का, एंड यहाँ पे हमने वीट वीट मतलब यहाँ पे गाजर के लिए अपना पूरे रख रखा है, गाजर की कमी ना हो। या आलू रखे होंगे आप देख सकते हो, यहाँ आलू है, मतलब खाने की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे बंदों को, जो सर्वर के बंदे हैं उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कहा था पूरे में इसको तरबूजे की फार्मिंग करने के लिए, बट इसने नहीं किया, तो ठीक है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे तरबूजे की फार्मिंग के लिए, एंड बीच में से एक रास्ता थोड़ा सा छुड़वा देंगे, देखेंगे। यहाँ पे भी फार्मिंग करनी है, पूरा फार्म बनाना मैंने सोच रखा है बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना ज्यादा छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे इसको पूरा कर देंगे। पूरा करने का यहाँ कोने से थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। इसके बाद आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ मस्त वाली। अभी इसके बाद हमने यहाँ पे ये आइलैंड है, आइलैंड हमने सोचा अपने एक आइलैंड बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये जिस तरह आपको ये लेफ्ट में दिख रही है डिजाइन एग्जैक्टली सेम आपको राइट में दिखेगी,
इस चीज़ को बनाने में अपने को बहुत टाइम लगा था। जब हमने ये तोड़ा था, ये देखो सैंड कलेक्ट करी थी, सैंड बनाई थी, इतना ऊपर तक था। आप सोच लो इसके अंदर पत्थर वत्थर सैंड स्टोन पता नहीं क्या क्या निकला था इसके अंदर, बहुत सारा आइटम निकला था। एंड उसके बाद ये देख लो पूरा एग्जैक्टली जो डिज़ाइन यहाँ पे है एग्जैक्टली वही डिज़ाइन अपने अप मतलब सामने भी है। तो यहाँ पे मेरे को अपना एक आइलैंड बनाना है। आइलैंड बनाने के बाद इसके पीछे एक विलेज है, पीछे आपको वो दिख रहा होगा, वो देखो पीछे वो विलेज एरिया है। तो यहाँ से उसका रास्ता कनेक्ट करेंगे एंड धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट हम जितना भी एरिया है सारा एरिया धीरे धीरे करके कवर करेंगे। और हमने ये भी सोचा है कि हम अपना मतलब एक ट्रेन ट्रेन की रेलिंग होती है, ट्रेन की पटरी होती है, वो भी लगाएंगे ताकि हम कहीं पे भी इजीली ट्रेन के थ्रू जा सकें। इसके बाद अंदर से भी रास्ता है, बट मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। यहाँ से अगर आप चलोगे तो इधर से अगर आप आओगे अंदर की तरफ से निकल के, ये हमारा आयरन का फार्मिंग है, यहाँ पे हमारा आयरन बनता है, ये आयरन की फार्मिंग है। अभी इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है तो ये आयरन अभी क्रिएट नहीं हो रहा है। ये हमारा शुगर केन है, ये गन्ने की खेती हमारी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक दिमाग लगाया एंड यहाँ पे लेफ्ट में मैंने एक मीटिंग रूम बनाया, ओपन मीटिंग रूम। इसको हम ढकेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, बट ठीक है। तो ये ओपन मीटिंग रूम है, यहाँ पे बैठ के हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। एंड इस तरह मैं टेबल वेबल लगवा दूँगा चाय पानी के लिए, एकदम मस्त वाला। ये हमारा स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल में हम वॉक कर रहे थे। तो इसमें ना मैंने कुछ दिमाग लगाया, मैंने कहा क्यों ना इसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ। तो इसका चारों तरफ से तोड़ के कोबल स्टोन से तो इसकी चारों तरफ की फार्मिंग हो गई। एंड ये देखो ये पता नहीं क्या ही बकचोदी कर रखी है लोगों ने, चलो कोई नहीं, ये तो हम रिपेयर कर देंगे। इसके चारों तरफ कोबल स्टोन की वो कर दी एंड नीचे इसके नीचे हमें एक कलर की जो डिज़ाइन बनाएंगे, हम जो डिज़ाइन बनाएंगे स्विमिंग पूल की वो, एंड सेकंड चीज जो हम करेंगे वो हम उसके ऊपर लगाएंगे शीशा। जैसे ये शीशा लगाना, ये हमने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि इसके ऊपर ही है, इसके नीचे हमें लेयर लगानी है। तो ये ऊपर वाला हमें वेस्ट करके कोई फ़ायदा तो है नहीं शीशा, इसीलिए मैंने वेस्ट नहीं किया। नाउ मैं फंस गया, हमें जानने के लिए ठीक है। और ये हमारे भाई साहब ने बहुत ही प्यारा बनाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये हमारा गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, यहाँ से हमें समझ जाओ अब क्या है ये चीज़। जब आप लोग अंदाजा लगा समझ गए ना, तो वही है जो आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल वही है। सो उसके बाद इधर ये एरिया था, ये मैंने सैंड का एरिया था तो मैंने ये सैंड का ही रहने दिया। इधर का एरिया पूरा मैंने ग्रास का एरिया कर दिया पूरा। देन उसके बाद मस्त चीज़ तो अब ये है, इसके बाद यहाँ पे बहुत मेहनतों की शिद्दतों के बाद माइनिंग करने के बाद ये पूरा एरिया हमने साफ़ करा है। आप पूछोगे कि ये एरिया किस लिए साफ किया है, ये एरिया हमने इसलिए साफ किया है ठीक है। तो यहाँ से ना अब यहाँ पे एक टेक्निक हमने मैंने जो लगाई है, जो मैंने एक टेक्निक लगाई है कि तीन स्टेप नीचे, एक दो तीन, तीन स्टेप नीचे इस एरिया में लोगों के घर बनेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक या दो घर बनेंगे इसके अंदर, दो घर, एक तो नहीं दो या तीन घर बन जाएंगे इसके अंदर ईजिली, जैसे बनाने चाहे। उसके बाद जो दूसरे लोगों के बाकियों के घर बनेंगे वो बनेंगे तीन स्टेप ऊपर, एक दो तीन, यहाँ पे इस लेवल पे। ये वाली फ्लोरिंग मैंने इसलिए छोड़ रखी है अभी, ये वाली फ्लोरिंग में हम बनाएंगे लोगों का फ्लोरिंग हो रखी है। यहाँ पे फ्लोरिंग हो जाएगी बढ़िया वाली एंड ये परफेक्टली अपना, ये परफेक्टली अपना वर्क करेगा, जैसे भी मतलब जो भी करेगा मतलब अच्छा बुरा सब करेगा गाइस। बहुत मेहनत लगती है रे, ये बात सच है गाइस, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली। मेरे को लग रहा था बहुत इजी होगा बनाना, बट नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है बनाना भाई, माइनक्राफ्ट में बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। देन इसके बाद जो मैंने दिमाग लगाया और सोचा मैंने क्यों ना एरिया को और एक्सपेंड किया जाए, और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए और भी ज़्यादा। तो जो मेरा दिमाग है कि हम यहाँ से इसके ऊपर एक दो तीन,
इस वाले बेस पे, इस वाले सरफेस पे, ये जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ, इस वाले सरफेस पे पूरा एग्जैक्टली सेम ऐसा ही एरिया साफ किया जाए, एंड वो यहाँ तक पीछे तक हमारा ये साफ हो जाएगा, ये पीछे तक, ये पूरा पीछे तक यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा यहाँ पूरा आ जाएगा, एंड देन उसमें भी बनेगा घर। तो आप लोग देख सकते हो कितनी मेहनत, एक बंदे के बस के काम नहीं है, लिटरली एक बंदा नहीं कर पाएगा इतनी मेहनत, बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत, मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है। एंड इस वाले एरिया में मैं आपको एक चौथा, तो रात हो गई, सोना भी हमें, मैं जल्दी से दिखाता हूँ, इस वाले एरिया में जिसका घर बनेगा फर्स्ट लेवल तक, उसमें मैं पानी भर के रखूँगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, सिर्फ इस वाले लेवल के लिए पानी रहेगा, बाकी किसी लेवल के लिए घर में पानी नहीं है, और बाकी सिर्फ वो आइलैंड के चारों तरफ पानी था। तो बस यही था हमारा अभी तक का जो बना है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारे एक महान हस्ती इंसान ने, हमारे गेम के महान ने, अरे भाई ये देखो ये दिक्कत होती है, ये सामने आपको दिख रहा है, ये सामने कैसल बना रहे हैं, तो कैसल अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो सरप्राइज है, बढ़िया वाला कैसा कैसल बनेगा। तो कमेंट करके जरूर बताना भाई आप लोगों को कैसा लगा, मतलब मेरा ये अभी तक का जितना भी हमने क्रिएट किया है, मुझे पता है बहुत कमी है, बाकी लोगों के ऐसे भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा कमी है, बट अपने हिसाब से हमने जितना भी बनाया है काफ़ी हद तक काफ़ी बढ़िया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये देख लो अब सस्ते नशे गायब हो गया। तो ठीक है गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये देखो कोई नहीं रहा भाई, कोई नहीं रहा भाई, सस्ते नशे, तो चलो कोई नहीं, सोएगा सोएगा, नहीं सोएगा नहीं सोएगा। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जिसको खेलना है वो आ सकता है, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो सकता है, मैं सर्वर का आईपी एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दूंगा। ये देखो गाइस सर।